Hi friends, this is Dr. Vikas Singhal. I am a consultant homeopathic medical practitioner in Chandigarh. My friends, today we are going to discuss something about swellings. शरीर में किसी भी भाग में किसी भी पार्ट में जब पेशेंट प्रेजेंटेशन लेकर के आता है वो कहता है कि जी डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है. तो स्वेलिंग में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, किस वजह से स्वेलिंग हो सकती हैं, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिस वजह से कोई ट्यूमर है. कई बार पेशेंट बड़ा घबरा जाता है छोटी सी चीज़ को लेकर के कि ये जो स्वेलिंग है कहीं मेरा ट्यूमर का रूप ना ले ले, कहीं मेरे को कैंसर ना हो जाए. तो स्वेलिंग को हम लोग कई तरीके से डिवाइड करते हैं. आज हम लोग बात कर रहे हैं केवल जो ट्यूमर्स हैं उसमें दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, केवल आज हम ट्यूमर्स की बात करेंगे. जो स्वेलिंग है रसोली है वो कितनी तरह की हो सकती है. दो तरह की माय फ्रेंड्स रसोली होती है, नंबर वन बिनाइन, नंबर टू मेलिग्नेंट. बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि अर्ली एज में निकल सकते हैं और बड़े स्लोली प्रोग्रेसिंग होते हैं. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट इन फीमेल्स. दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ बिनाइन ट्यूमर एंड दीज ट्यूमर्स आर हैविंग नो पेन. पेन इज यूजली एबसेंट स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिनाइन ट्यूमर्स. बट इन केस ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, जिसको हम लोग मेलिग्नेंट ट्यूमर्स को ही हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं, यहाँ ये चीज़ बड़ी स्पेसिफिकली मैं आपको बार बार अपने वीडियोज़ में बताता भी हूँ कि जो ट्यूमर्स हैं उसका जो नाम ट्यूमर है उससे आप घबराएं नहीं, क्योंकि अगर ट्यूमर हमारा बिनाइन है तो हमारे को तंग नहीं करेगा, हमारी कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. बट माई फ्रेंड्स, इफ योर ट्यूमर इज मेलिग्नेंट देन डेफिनेटली आपको उसकी एक TNM क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें हम लोग जो टोटल मेटास्टेसिस है या लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है, ट्यूमर का साइज कितना है, फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, फिक्सिटी है तो कितनी है, कितना परसेंटेज है, कहाँ कहाँ मेटास्टेसिस है और लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, तो वो TNM क्वालिफिकेशन में हम लोग नोटिस करते हैं. और अगर हम बात करें और ज़्यादा एडवांस स्टेजिंग में तो विराट स्टेजिंग करके एक नया तरह का स्टेजिंग डेवलपमेंट हुआ है. तो उसमें अगर विराट स्टेजिंग 1 और 2 हम लोग विराट स्टेजिंग को मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन नहीं है और इसको इजीली मेडिसिन से या कन्वेंशनल मेडिसिन में रेडियो एंड कीमोथेरेपी से नॉर्मल किया जा सकता है. तो जैसा मैं शुरू में बात कर रहा था कि जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं उसमें हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो सभी नॉर्मल रहते हैं, लेकिन अगर कैंसरस होगा, अगर सपोज कहीं किसी को लाइपोमा है तो दिस इज़ अ बिनाइन ट्यूमर. बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये क्या करता है, ये फिक्स हो जाता है हमारी स्किन टिश्यू के साथ. हमारा जो अलग सेकेंडरी टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. समटाइम्स सेकेंडरी चेंजेस में अकर. तो जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड द सर्कमस्टांसिस ऑफ द पेशेंट विद द इमोशनल रिएक्शंस एज वेल एज वी हैव टू काउंट द PNEI एक्सेस. जैसा मैंने अपने लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, तो जो साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, एंडोक्राइनोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल एक्सेस है, अगर उसमें कहीं डिफ्रेंशिएशन आती है, उसमें कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, तो डेफिनेटली जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो मैलिग्नेंट हो सकते हैं. माय फ्रेंड्स, जहां तक बात है मोबिलिटी, अगर हम बिनाइन ट्यूमर्स की बात करें तो वो इजिली मोबाइल होते हैं. हम लोग उसका एक टू फिंगर टेस्ट भी करके देखते हैं पेशेंट को, तो टू फिंगर टेस्ट में समटाइम्स मोबिलिटी जो है वो बिनाइन ट्यूमर्स में प्रेजेंट होती है. बट मैलिग्नेंट केस में यूजुअली जो होता है वो फिक्स्ड एंटिटी होते हैं, जहाँ कहीं भी होगा वो वहीं पे उसकी पर्टिकुलरली उसने अपने रूट्स और पूरी तरह से ग्रो कर जाता है. बिकॉज ये चीज़ें जो हैं आजकल बड़ी कॉमन हो गई हैं, बिनाइन है चाहे मैलिग्नेंट है, ये दोनों ही तरह के जो ट्यूमर्स हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं. लेकिन यहाँ पे आपको ये भी चीज़ स्पेसिफाई करूँगा कि बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है. आप अपने आप को किसी भी अच्छे क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास आप जाएं और इसका प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं, एज वेल एज बायोप्सी इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट. तो समटाइम्स फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी और बायोप्सी से हम लोग कन्फर्म भी करते हैं. हम लोग एक जो फैक्टर है इसमें काउंट नहीं करते कि सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड ही हमने देखना है. बायोप्सी से जो कन्फर्मेशन है उससे हम लोग फाइनली कन्फर्म कर लेते हैं
और पेशेंट को वो जैसी भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को आगे गाइड किया जा सकता है। अब बात करें होम्योपैथी में जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, जो कैंसरस स्टेज है, उसका कितना एक पॉसिबिलिटी है। नो डाउट होम्योपैथी और एलोपैथी कन्वेंशनल मेडिसिन जो है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जिकल इंटरवेंशन, वो सब चीज़ें मैलिग्नेंस जो ट्यूमर्स हैं उसके लिए अवेलेबल हैं। बट माय फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये एडवाइस ज़रूर करूँगा कि आप एक सेकंड ओपिनियन, क्योंकि इंटीग्रेटेड मेडिसिन की अप्रोच हमेशा बेटर रहती है। आप पैरेलल, आप कैंसर का अगर कोई केस है तो उसमें हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं होम्योपैथी विद एलोपैथी। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक मेडिसिन के साथ होम्योपैथी का कोई नुकसान हो जाएगा या होम्योपैथिक मेडिसिन पूरी तरह से काम नहीं करेंगी। आप दोनों ही मेडिसिन को एज अ कम्बाइंड मेडिसिन आप लोग अप्रोच में ले सकते हैं। तो आप नियर बाई अपने किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को आप कंसल्ट करें। और माई फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैंसर के कुछ विशेष लक्षण और क्या ऐसी डायग्नोस्टिक चीज़ें हैं जो पेशेंट खुद भी मॉनिटर कर सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।